डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स काउंटिंग बुक का पेज नंबर 3 करेंगे, जो कि फास्ट एंड स्लो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस पेज में हमारे SLOs ये हैं कि बच्चा फास्ट एंड स्लो के कॉन्सेप्ट को समझ जाए और साथ ही साथ बच्चा उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके जो फास्ट स्पीड के हैं, और साथ साथ उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके जो कि स्लो स्पीड के हैं। बच्चों, ये मैं क्या कर रही हूँ? Yes, I am driving. मैं तो ड्राइव कर रही हूँ। और क्या ड्राइव कर रही हूँ? Yes, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। जो भी चीज़ जिसके ऊपर बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम व्हीकल कहते हैं। कुछ व्हीकल्स तो बड़ी फास्ट होती हैं, वो हमें जल्दी से पहुँचा देती हैं, और कुछ बहुत स्लो होती हैं, वो हमें देर से पहुंचाती हैं। जो व्हीकल हमें फास्ट पहुंचाती है उनको फास्ट कहते हैं, और जो व्हीकल हमें देर से पहुंचाती हैं उनको स्लो कहते हैं। तो अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें फास्ट हैं और कौन कौन सी चीज़ें स्लो हैं। डियर टीचर्स, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पेज 3 ऑफ द बुक, विच इज़ आई नो फास्ट एंड स्लो। मुझे तेज़ और आहिस्ता का पता है। आप बच्चों को बताएं कि इन पिक्चर्स को देख के बताना है कौन सी व्हीकल स्लो है और कौन सी व्हीकल फास्ट है। पहली पिक्चर में एक तरफ एरोप्लेन है और दूसरी तरफ कार है। कार तो हमें देर से पहुंचाती है किसी भी जगह, और अगर हमने उसी जगह जाना हो और हम प्लेन पे बैठ के जाएं तो वो तो जल्दी पहुंचा देती है। तो फास्ट कौन सी है? यस, एरोप्लेन फास्ट है। एरोप्लेन तो उड़ के जाता है, और कार में तो हम रोड पे ड्राइव करके जाते हैं, वो स्लो है। इसी तरह आप बच्चे की तवज्जो दूसरी पिक्चर्स की तरफ दिलाएं, जिसमें एक तरफ हमारे पास ट्रक है और दूसरी तरफ हमारे पास हॉर्स कार्ट है। तो आप बच्चे को बताएं कि देखो, हॉर्स तो एक एनिमल है, उसके पास चलने के लिए लेग्स हैं, वो क्या होता है? यस, वो स्लो चलता है। जबकि ट्रक फास्ट है, तेज़ चलता है, उसके पास व्हील्स होते हैं चलने के लिए, और देखो कितने ज़्यादा व्हील्स हैं, इसलिए तो ज़्यादा फास्ट होता है। तो ट्रक फास्ट है और हॉर्स कार्ट स्लो है। इसी तरह आप थर्ड पिक्चर की तरफ बच्चों की तवज्जो दिलाएं कि जब आप बाइक पे बैठ के जाते हो तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हो ना। जब आप चाचू के साथ बाइक पे बैठते हो, जब आप मामू के साथ बाइक पे बैठते हो, जब अब्बू आपको बाइक पे ले जाते हैं, तो आप जल्दी पहुंच जाते हो। और साथ ही साथ जब आप अपनी साइकिल पे होते हो, तब कितना स्लो स्लो किसी जगह पे पहुंचते हो ना। तो स्लो वाली जो साइकिल है वो जो है वो स्लो है, और जो तेज़ चलती है बाइक, वो फास्ट है। इस तरह आप बच्चे को उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू फास्ट एंड स्लो का कॉन्सेप्ट समझाएं। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों से किड्स एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 6 ओपन करवाएं और वहाँ पे फास्ट एंड स्लो के कॉन्सेप्ट में कलरिंग करवाएं। वो चीज़ें जो फास्ट हैं उनमें आप येलो कलर करें, और जो स्लो हैं उनमें रेड कलर करवाएं। इस चीज़ को आप होमवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, और सेम पेजेस को आप क्लास वर्क में भी अपनी एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। डियर टीचर्स, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बच्चों का और उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आप रैबिट और टॉर्टोइस की जो स्टोरी है फास्ट एंड स्लो की स्पीड का, उसमें भी आप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो वो बच्चों को ज़रूर सुना के उनकी तवज्जो दिलाएं इस तरफ कि फास्ट क्या होता है और स्लो क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।